हेलो फ्रेंड्स, मैं उड़िया जा आरजे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 जून और अभी समय हो रहा है शाम के 6 बज चुके हैं और मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ जो कि आज आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज ही के दिन मेरे दादाजी का निधन हो गया था। तो उनका जो दिन आता है तो उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि अभी कोविड का टाइम है और बंगाल में तो अभी भी लॉकडाउन है, यहाँ तक कि 1 जुलाई तक लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। इस वजह से कोई आना भी नहीं चाहता और बहुत लोग बुलाते भी नहीं हैं। तो फिर भी हम लोगों ने कुछ कुछ जगह बात की थी तो वही आना नहीं चाह रहे थे, तो प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जो भी उनको खिलाना है तो सब कुछ वो पैक करके, मतलब कच्चा ही पैक करके, तो मंदिर में या पंडित को दे दिया जाए। तो सुबह 7 बजे लगभग मम्मी ने सब कुछ पैक करके मुझे और मेरे भाई को दे दिया। Let me up with a bright smile on now. We in the dark, won't get us now. To the moonlight, eyes you are real right now. फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे आप लोगों से एक बात कहनी थी कि आप देख सकते हैं ये जो वीडियो क्लिप है, जो पेट्रोल पंप पर एक लड़की पेट्रोल दे रही है, तो ये हमारे इलाके का है। ये ज़्यादा नहीं, आपका घोसपुकुर से पीछे ही है जहाँ की मैलानी ज्योत नाम है, तो वहाँ पर ये लड़की पेट्रोल पंप में काम करती है। तो ये वजह नहीं है कि वो वहाँ पे काम करती है, मुझे इस बात की खुशी है कि अब हमारे इलाके में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि अभी तक हमारे इलाके में बागडोगरा से उधर पेट्रोल पंप पर लड़कियाँ एक दो काम करती हुई मिल जाती थी, लेकिन हमारे इलाके की ये पहली लड़की है जो पेट्रोल पंप पर काम करती है। और इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे इलाके में, हाँ, सिलीगुड़ी से काफ़ी पिछड़ा इलाका है हमारा, पर मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे इलाके में भी बहुत चेंजेस आ गई है और बहुत अच्छा बदलाव आया है। हमारे इलाके में जहाँ हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, पर वहाँ पे पंडित नहीं रहता। और वहीं के घर के आसपास के लोग जो रहते हैं वो पूजा वगैरह करते हैं और ऐसे मंदिर खाली रहता है। और तो इसलिए हम लोगों को जाना पड़ा बागडोगरा। तो बागडोगरा हम लोग गए और वहाँ पे हम लोगों की उम्मीद थी कि हाँ, वहाँ पे पंडित जी मिल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मंदिर है और वहाँ पे पंडित जी रहते भी हैं। पर जैसे हम लोग पहुँचे तो देखिए हम लोगों के साथ क्या हुआ। तो जैसे ही हम लोग मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैंने दर्शन किया और जा कर के वहाँ पे एक काम कर रहे थे अंकल, उनसे पूछा कि यहाँ का पुजारी कहाँ गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं है, चला गया। तो मैंने पूछा कि शायद उनका आसपास घर होगा, तो मैंने पूछा कि उनका घर कहाँ है, तो वो लोग नहीं मालूम, वो चले गए हैं। तो फिर अब क्या करें, अब मतलब टेंशन हो गया कि क्या करें। फिर मुझे याद आया कि सिलीगुड़ी में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, तो वहाँ पर ज़रूर पंडित जी होंगे। तो हम लोग फिर वहाँ से बाइक से गए थे, तो वहाँ से चल पड़े आगे संकट मोचन जो हनुमान जी का मंदिर है। Something you
मिर्ची मिल गए, तो हम लोगों ने वहाँ पर उनको जो भी देना था दे दिया, तो और उन्होंने खुशी खुशी ले भी लिया। फिर हम लोग पंडित जी को खोजने के चक्कर में पहुँच चुके थे सिलीगुड़ी, और फिर पापा बोले कि तुम लोग गए हो तो कुछ सामान वगैरह ले आना। तो हम लोग जब पहुँचे सिलीगुड़ी कोर्ट मोड़, तब समय हो रही थी 10, तो मार्केट खुलने का टाइम था 12 और हम लोग पहुँच चुके थे 10 बजे। 2 घंटा बैठे कहाँ, भाई को लगी थी भूख, तो हम लोग पूरी सब्जी और मिष्टी पैक करा करके चले गए सिलीगुड़ी कॉलेज। तो हम लोग चले गए सिलीगुड़ी कॉलेज, वहाँ पर देखा तो वहाँ पर भी बंद था, वैसे मार्केट में लगभग सब कुछ बंद ही था, पर आप ठीक से कहीं बैठ नहीं सकते, मतलब बहुत अजीब लग रहा था। और इतना सुबह हम लोग बिना खाए पिए पहुँच गए थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि इस्कॉन मंदिर चलते हैं, पर लॉकडाउन के रूल के हिसाब से शायद मंदिर सब भी अभी बंद ही है, तो फिर हम लोग इस्कॉन मंदिर जाने का भी प्लान कैंसिल कर दिया। और फिर पहुंच गए सिलीगुड़ी कॉलेज। फिर वहां पर जाने के बाद हम लोग को लगा कि हाँ वहां पे मतलब खाली इलाका मिलेगा तो वहां पे बैठ सकते हैं। वैसे भी सिलीगुड़ी मार्केट में मतलब बहुत भीड़ ही होता है, तो कोविड के डर से हम लोग सोचे थे कि कहीं पे शांत इलाका में जाके बैठेंगे। तो फिर वहां गए, तो वहां पे हम लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद में कुछ नाश्ता करने के बाद ही वहाँ पे जो कुछ लोग थे या फिर वहाँ का शायद इंचार्ज या गार्ड होंगे, तो उन्होंने कहा कि निकलो यहाँ से, यहाँ पे नहीं बैठना है। तो फिर वहाँ से निकल करके कोर्ट मोड़ में ही बैठ करके हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। मत पूछे इंतज़ार, समय कट ही नहीं रही थी समय। कैसे भी करके हम लोगों ने 2 घंटा बैठ के काटा, एकदम परेशान हो गए थे, इतना मतलब परेशान कि मत पूछिए। इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोगों ने फटाफट जो सामान हमें लेना था हम लोगों ने सब कुछ सामान पैक करा लिया और फिर घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही हम लोग सेवक मोड़ पहुँचे, वैसे ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ दिखाया, रुके। उससे पहले मैं एक आपको मज़ेदार बात बताती हूँ। अजीत को बड़ा ये था कि मेरा नया गाड़ी है और पुलिस तो मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं दिखा सकता, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। फिर ट्रैफिक पुलिस वाले ने बोला कि अपना लाइसेंस दिखाओ, तो उसने बोला कि अप्लाई किया हूँ, अभी तक नहीं आया है। तो फिर उसने बोला कि ये सब कुछ नहीं होगा, साहब से बात करो, मतलब उनका जो हेड था बगल में ही बहुत से लोगों के चलान काट रहे थे, उनसे बात करो। तो उन्होंने कहा कि 1600 रुपये फ़ाइन लगेगा। फिर अजीत ने कहा कि उतना तो नहीं है, 200-300 रुपये ले लीजिए। तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा तुम कितना दे सकते हो, तो अजीत ने बोला 200-300। तो उसने बोला कि 200-300 नहीं, 350 रुपये लूँगा, वहाँ पर जाकर के दे दो। तो उस 10-20 मिनट हम लोगों को रुकने के लिए कहा, तो हम लोग वेट कर रहे थे। उस दौरान पापा का फ़ोन आया, तो पापा को अजीत ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रुका लिया है। तो फिर कहा कि 350 रुपये मैंने फिक्स कर लिया है। फिर पापा बोले कि 200-250 रुपया हाथ में दे दो और चला। तो फिर सोचे कि चलो बात करके देखते हैं क्या जाता है। तो फिर मैंने कहा कि अंकल हमारे पास 350 रुपया नहीं है, पैसा कम पड़ रहा है, तो क्या वहाँ पे जाके केस देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा, थोड़ा सा अजीब तरह से बोल रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, 100 रुपये का चलान काट दे रहा हूँ, वहाँ बैंक में जाके जमा करा देना। फिर चलान काट के दिया, फिर अजीत गया बैंक में पैसा जमा करने। मत पूछे बैंक में इतनी भीड़ थी, कम से कम नोटबंदी के टाइम में बैंक में भीड़ रहती थी उस तरह का भीड़, सबका चलान कटा हुआ। तो फिर उतने भीड़ में लगभग आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा, फिर जा कर के अजीत आया, फिर उनको वो रसीद दिखाई, फिर उन्होंने जाने दिया। बस वहाँ से जैसे ही निकले, कुछ देर कम से कम 2-3 मिनट हुआ होगा, फिर ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ दिखाया। फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग अभी चलान भर के आए हैं, हम लोगों का फाइन कटा है, फिर उन्होंने जाने दिया। फिर वहाँ से 5 मिनट आगे पहुँचते हैं, फिर एक ने हाथ दिखाया, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग फाइन दे के आए हैं। तो फिर उन्होंने कहा डबल हेलमेट लगेगा, उसका भी फाइन लगेगा। फिर मैंने पेपर निकाल के दिया कि देखिए हम लोग फाइन दे के आए हैं, और उन्होंने कहा कि ये आज के लिए वैलिड है, किसी चीज़ के लिए फ़ाइन नहीं लेगा, किसी चीज़ के लिए फ़ाइन नहीं लगेगा। फिर वहाँ से बढ़े।
चर्च मोड़ मार के उसके बाद आने लगी तेज बारिश, और हम लोग रेनकोट वगैरह कुछ लेके नहीं गए थे, आराम से मजे से भीज के आए। तो आज का दिन बहुत ही झंझट से भरा रहा, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे ट्रैफिक पुलिस से ना पहले थोड़ा डर लगता था कि बिना लाइसेंस तो ऐसे मेरे पास भी अभी नहीं है, मैं भी अप्लाई करूँगी बनाने के लिए, तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं रुका दे तो क्या होगा। इस बात की मुझे बहुत मतलब कभी जब भी मैं मार्केट जाती थी तो मुझे डर लगता क्योंकि रुका दिया तो क्या होगा, पर अगर अब मुझे रुकाता है तो हाँ मैं कुछ पैसा वगैरह कुछ दे करके मतलब एक तो मेरे पास लाइसेंस रहेगा तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा बात अगर बाई चांस लाइसेंस नहीं रहता है तो मैं थोड़ा बहुत पैसा दे करके छूट जाऊँगी। तो ये इस बात का जो मुझे डर था कि मैं उसे कैसे पैसे के लिए बोलूँगी कि हाँ अभी इतना पैसा ले लो मुझे छोड़ दो, तो वो वाला बात अब नहीं होगा। जब भी कभी बाई चांस ऐसा सिचुएशन ना आए, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। तो दोस्तों आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, या फिर कुछ ख़राबी लगे तो वो भी प्लीज़ शेयर किया कीजिए, हम सब एक फैमिली की तरह है। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे वीडियो में ये कमी है वो है, तो आप प्लीज़ बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, घर में रहिए सेफ रहिए।